हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए हिमेश रेशमिया का एक नया सॉन्ग लेकर, जो हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर आज रिलीज कर दिया गया। ये सॉन्ग आया है मोर्स विद मेलोडीज एल्बम से और ये इस एल्बम का 11वां गाना है। तो बात कर लेते हैं इस गाने के सबसे पहले म्यूजिक की, जो दिया है HR सर ने। म्यूजिक काफी अच्छा है, ये एक वेडिंग सॉन्ग है और एक एक बीट जो है वो फील करने वाली है। और जिस तरह के शादी ब्याह का जो माहौल होता है उसमें जिस तरह के गाने होने चाहिए, जिस पर जो दुल्हन का जो डांस होता है, जो दुल्हन की सहेलियां हैं जो डांस करती हैं, उस तरह के माहौल क्रिएट करने के लिए गाना बहुत अच्छा है। और आजकल शादी के माहौल में अगर ये गाना सुनने को मिल जाए तो चौंकने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि गाने का म्यूजिक बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसके लिरिक्स की। लिरिक्स लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, इससे पहले भी वो हिमेश रेशमिया मेलोडीज के लिए लिरिक्स लिख चुके हैं और काफी अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। उनकी जो एक एक लिरिक्स होता है ना, उसके एक मायने होते हैं, दिल से निकलता है और दिल तक वो लिरिक्स पहुंचता भी है। इस गाने का भी बिल्कुल एक एक लिरिक्स ऐसा ही है, मीनिंगफुल लिरिक्स है और दिल से निकला दिल तक जरूर जाएगा। डिजाइनर लहंगा उस दुल्हन की एक अंदर के ख्यालात है, जो जब किसी दुल्हन की शादी होती है और अपने होने वाले हस्बैंड के लिए जब वो अपने मन में कुछ एक फीलिंग होती है जो उसे बयां करना चाहती है, वो सारी फीलिंग्स इस गाने के जरिए शब्बीर अहमद ने बयां की है। मतलब एक एक लिरिक्स ऐसा लगता है किसी दुल्हन के दिल की बात हो जो शब्बीर अहमद ने अपने लफ्जों के जरिए इस गाने के अंदर डाल दी हो। तो लिरिक्स और म्यूजिक काफी अच्छा है जो इस गाने में हमको सुनने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं सिंगर की, कि इस गाने में किस सिंगर की आवाज हमको सुनने को मिली है। तो इस गाने में जिस सिंगर की आवाज सुनने को मिली है उसका नाम है लुलिया मंटूर। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नाम से परिचित नहीं होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नाम को अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए बता देता हूँ, जो ये सिंगर है ये एक विदेशी सिंगर है और बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती की वजह से बॉलीवुड में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अब किसकी वजह से ये बॉलीवुड में पैर पसारने की कोशिश कर रही है उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर नाम बताया तो फिर उसका रिश्ता बताना पड़ेगा और अगर रिश्ता बता दिया तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नाराज हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपना प्रसाद देना स्टार्ट कर देंगे। तो खैर बात यहीं पर खत्म करते हैं और बात करते हैं सिंगर की जिसका नाम है लुलिया मंटूर। एक विदेशी सिंगर है और जो एक गाना है हमारा ये एक वेडिंग सॉन्ग है। मतलब जैसी हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जिस तरह शादी ब्याह का माहौल होता है, अगर मैं अपनी राय दूं तो उसके लिए एक इंडियन सिंगर होना चाहिए था। मतलब उस माहौल को, उस संस्कृति को अगर कोई अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है तो कोई भारतीय सिंगर कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि जो विदेशी सिंगर होते हैं पहली बात तो ठीक से हिंदी ही नहीं बोल पाते। बात करें अगर लुलिया मंटूर की, इस गाने का जो टाइटल है डिजाइनर लहंगा, अगर ये गाना आपने गौर से सुना होगा तो बार बार वो इस गाने में डिजाइनर लहंगा को डिजाइनर लहंगा बोल रही हैं। अब डिजाइनर लहंगा जो लहंगे को लहंगा नहीं बोल सकती, वो कैसे एक भारतीय संस्कृति को जस्टिफाई कर सकती है, कैसे वो शादी माहौल वाली फीलिंग जो विदेशों में होती ही नहीं है उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती है, ये चीज मेरी समझ से एकदम परे लगी है। और HR सर ने ऐसा क्यों किया ये तो खैर वही जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी कौन सी उनपे मजबूरी थी, ऐसा कौन सा उन्होंने कर्ज ले रखा था, कौन से उसके चैनल के इतने ज्यादा व्यूज डाउन हो गए थे जो उन्होंने लुलिया मंटूर को मौका दिया। क्योंकि जिस तरह की वो सिंगर है, सही मायने में अगर बात करूं, पहली बात तो बॉलीवुड में जो गाने होते हैं उनको डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो वो गानों को उस तरीके से हमारे सामने पेश कर ही नहीं सकती जो एक इंडियन सिंगर कर सकता है। और बात करें अगर इस गाने की, डिजाइनर लहंगा, इस गाने के लिए अगर किसी भारतीय सिंगर को मौका दिया जाता तो ये गाने के नेक्स्ट लेवल पर जा सकता था। इस गाने के लिए पलक मुच्छल, दमनी भानुशाली, तुलसी कुमार या फिर अरुणिता या साइली को भी मौका दिया जा सकता था जो इस गाने को चार चांद लगा सकती थी। और शादी ब्याह का जो माहौल होता है उसमें ये गाना तो खैर बजने वाला है, ये तो बात फिक्स है, क्योंकि हिमेश सर का जो म्यूजिक है इस गाने के अंदर और शब्बीर अहमद की जो लिरिक्स है उस गाने में अलग ही चार चांद लगा रहे हैं। बस थोड़ी कमी जो रह जाती है वो लुलिया मंटूर की वजह से। अब खैर ये चीज HR सर को बेहतर पता है कि उन्होंने लुलिया मंटूर को क्यों मौका दिया, या फिर उस शख्स की वजह से जो बॉलीवुड की नामचीन हस्ती है जिसकी वजह से लुलिया मंटूर बॉलीवुड में आकर टिकी है, हो सकता है उसकी वजह से मौका दिया हो। क्योंकि जब HR सर बॉलीवुड में अपने पैर पसार रहे थे तो उस शख्स के काफी एहसान थे HR सर के ऊपर, हो सकता है उन्हीं एहसानों के तले दब के HR सर ने अपने इस चैनल पर, हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर लुलिया मंटूर को मौका दिया। क्योंकि इस गाने में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह इस गाने को गाया है, जिस तरह इसके लिरिक्स उनकी आवाज से सुनने में आई है, मुझे नहीं लगता इस गाने को डिजर्व करती थी। खैर अगर ये गाना आपने सुना है, गाना आपको कैसा लगा है और जो मेरी राय है वो आपसे कितनी मेल खाती है, या लुलिया मंटूर की सिंगिंग के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको प्लीज लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो फेसबुक पेज पर डालूं तो वहां भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।
अभी चलता हूँ, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।